हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन एंड आंसर, जिसमें हमारा टॉपिक होगा एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इस पर देखेंगे क्वेश्चन क्या बनता है। पहला पूछा कि इन विच ईयर द टर्म हैकिंग वाज कॉइन्ड, मैंने किस साल में हैकिंग का जो है आया वो आया है। ये 1967, 55 से 60, 70 से 80 और 80 से 82। तो इन किसके बीच में हमारा आया था हैकिंग का जो कंसेप्ट आया था, तो हमारा पहले का हो जाएगा बी, 55 से 60 के बीच में हैकिंग का कॉन्सेप्ट अभी आया था 1955-60 में। और ये क्यों आया, कहाँ पे आया, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्किल जो प्रोफेशनल थे वो इसमें यूज किए थे यहाँ पे आकर के। सेकेंड है, हमारे यहाँ पूछा गया है कि फ्रॉम वेयर द टर्म हैकर फर्स्ट केम द एक्सिस्टेंस, हैकर टर्म सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया था। MIT, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया और बेल्स लैब। वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, वो ये है MIT में इसका यूज किया गया सबसे पहले, दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी कि मैसेच्युसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या किया था, सबसे पहला हैकिंग का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था वहाँ पे, प्रोग्रामिंग क्या लैंग्वेज यूज करके। थर्ड है, व्हाट इज द वन थिंग दैट ओल्ड हैकर वेयर फाउंड ऑफ आर फाइंड इंटरेस्टेड इन। जो ओल्ड हैकर होते हैं वो किस में क्या होते हैं शौकीन होते हैं, ब्रेकिंग अदर सिस्टम, वेरेसियस थ्रेट्स फॉर नॉलेज, ब्रेकिंग फोन कॉल, लर्निंग न्यू लैंग्वेज। वो जो थर्ड का कॉन्सेप्ट है वो है यह, वेरेसियस थॉट्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि नॉलेज के भूखे होते हैं जो वर्ल्ड हैकर होते हैं। फोर्थ हमारा पूछा गया है कि इन विच ईयर द फर्स्ट पॉपुलर हैकर कॉन्फ्रेंस टू प्लेस, कौन सा है जो पहला पॉपुलर हैकर आया था यहाँ पे। तो हमारा फोर्थ नंबर है वो सी हो जाएगा, यानी 1993 में। फिर हमारा पूछा गया है फाइव नंबर कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट हैकर कॉन्फ्रेंस, जो पहला हैकर था उसका नाम क्या था। तो चार ऑप्शन इसमें दिया गया, पांचवे का ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए, यानी कि नाम था एकॉन, जिसने यहाँ पे हैक किया था पहली बार। सिक्स नंबर है, इज द ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज बाई हैकर्स टू मेक फ्री कॉल्स, मतलब फ्री कॉल को हैक करने के लिए कौन किसका प्रयोग किया, कौन सा हैकर किया गया था। तो फिशिंग, स्पैमिंग, फ्रैकिंग, क्रैकिंग। तो सी, सिक्स का सी होगा हमारे यहाँ पे, तो बोलते हैं फ्रैकिंग, जो हमारा फ्री कॉल को हैक किया गया है। सेवन हमारे यहाँ पूछा गया कि कौन से ईयर में यहाँ प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी हैकिंग में यूज किया गया था, जहाँ सेंटर था। तो सेवन हमारा होगा ई, यानी कि 1878 में इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था हैकिंग के लिए। आठवां है, इन विच ईयर, किस साल में हैकिंग जो होता है वो प्रैक्टिकल क्राइम करके आया यहाँ पे, जो मैटर था यहाँ पे। तो आठवें का हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, जो कि है 1970 में सबसे पहले यहाँ पे आया था प्रैक्टिकली, जो कि सबको पता चला। नाइन हमारे यहाँ पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट इंडिविजुअल हु परफॉर्म ए मेजर हैकिंग इन द ईयर। तो 1971 में सबसे ज़्यादा मतलब हैकिंग का काम किसने किया था, कोई एक होगा किसने किया था हैकिंग का काम। तो नाइन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि जॉन ड्रेफर, जो था 1971 में हैकिंग किया था। टेन हमारा यहाँ पे है कि नेम ऑफ द हैकर हु ब्रेक्स अर्पनेट, अर्पनेट को ही जिसने हैक कर लिया था उसका क्या नाम था। उसका नाम था हमारे यहाँ पे 10, ये होगा बी, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे केविन पोल्सन। इसने क्या किया था, अर्पानेट जो बना था ना पहली बार सॉफ्टवेयर कंप्यूटर, उसी को क्या किया था, मैंने हैक कर लिया था। इसको पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसी को इसने हैक कर लिया था। इलेवन है हमारे, है हु क्वाइंड द टर्म साइबर स्पेस, किसने साइबर स्पेस को क्वाइंड किया। तो वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इलेवन का हो जाएगा सी, जो कि होगा हमारा विलियम गिब्सन। फिर हमारा 12 नंबर है यहाँ पे कि इन विच ईयर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो ट्राई किए थे एनक्रिप्शन टेक्निक का TCP/IP प्रोटोकॉल में। तो हमारा होता है 12 का हो जाएगा ए, यानी कि 1978 में सबसे पहला यह किया गया था TCP/IP प्रोटोकॉल में इस तरह का। 13 नंबर, इन विच ईयर द कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट वाज अडॉप्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट। तो 13 का हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी, जो कि होता है हमारा 1984 में इसका प्रयोग किया गया था जो फ्रॉड से बचने के लिए। 14 हमारे यहाँ पे है कि हु आज द फर्स्ट इंडिविजुअल टू डिस्ट्रीब्यूट कंप्यूटर वर्म्स थ्रू इंटरनेट, में इंटरनेट के जरिए कौन सा इसमें है जो पहला इंडिविजुअल आया था। तो अब 14 हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी, जिसका नाम है रॉबर्ट टी मॉरिस, जिसने वर्म्स को फैलाने का काम किया था।